गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी वेबिनार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिजी जो है हर वीक किसी न किसी टॉपिक पे वेबिनार्स करते हैं ताकि जो है कस्टमर्स को अपने वैल्यूएबल पार्टनर्स को जो है प्रोडक्ट की एनहांसमेंट करा पाएँ, फीचर्स की एनहांसमेंट करा पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टिंग डेटा फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर इन बिजी, जिससे कि आप को बेसिकली ये आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप किसी एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर से डेटा जो है बिजी में मूवमेंट कराना चाह रहे हैं और एल्स कि आप जो है किसी कस्टमर के डेटा को जो है स्विच कराना चाह रहे हैं किसी एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर से, तो वो कैसे आप पॉसिबल है और उसकी जो फंक्शनेबिलिटी कैसे काम करती है, तो आज के वेबिनार के माध्यम से हम लोग वो समझेंगे। तो जो आज का टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि मेथड क्या है। मेथड तो एक तो है कि हम एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि अगर हम इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं किसी एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर से डेटा को जो है बिजी में स्विच कराना चाह रहे हैं, किसी प्रॉस्पेक्ट कस्टमर जो स्टक थे किसी एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर में उसकी डेटा को जो बिजी में लेकर के उसको फुल फेजेड जो है बिजी में उसको इंप्लीमेंट करके दे पाएँ, उनको रन करा पाएँ, तो ये वेबिनार्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले तो ये वेबिनार का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि इफ़ यू हैव रिसेंटली रिप्लेस और यू आर कंसिडरिंग रिप्लेसिंग योर करेंट सॉफ्टवेयर विद बिजी, तो अगर आपने किसी कस्टमर को रिप्लेस किया हुआ है बिजी के साथ एक्स वाई सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट पे, या अगर आप कंसीडर कर रहे हैं किसी को रिप्लेस करने के लिए बिजी में, तो आपके माँ क्वेश्चन में ये आएगा कि आप डेटा कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, इसका करंट डेटा अभी जो अभी हाल ही में वो लोग वर्क कर रहा है उसके करंट लाइव या लाइव डेटा को कैसे बिजी में आप स्विच करा पाएँ। तो बिजी कह रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, यू हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट, आपके पास ये बिजी में सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब कैसे हैं वो हम लोग आज सेशन पे समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो कॉमन हमें सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलते हैं जिनसे हम जो है डेटा को स्विच कराना चाहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो कस्टमर है हमें मार्केट में मिलते रहते हैं, कॉमनली जो सॉफ्टवेयर मिलते रहते हैं वो टैली है। तो अगर हम डेटा को जो है टैली से बिजी में स्विच कराना चाहें तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हैं तो कैसे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी एफर्टलेस ट्रांसफ़र डेटा अगर आपको करनी है टैली से बिजी में, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टूल बिजी ने जो है प्रोवाइड करके रखा हुआ है, जो कि आप बिजी डॉट इन साइट में भी जाएंगे और रिसोर्स के अंदर जो है आप डाउनलोड पे जाएंगे तो आपको एक टी टू बी का या टैली टू बिजी का यूटिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टैली से क्या करना होगा, आपको जो एक्सएमएल फाइल मास्टर्स ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कि डे बुक जो है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करते वक्त वहाँ पर कंडेंस और डिटेल का ऑप्शन रहता है, आप डिटेल में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट जो है मास्टर्स उसको आप एक्सएमएल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली से। ठीक है, तो स्टेप्स मैं वन बाय वन बता देता हूँ कि एक बार तो पहले डाउनलोड आपको करने हैं और इंस्टॉल करने हैं टैली टू बिजी टूल, जो आपको मिल जाएगा बिजी विन के साइट पे, www.bizy.in में जाना है, रिसोर्स के अंदर डाउनलोड पे आपको जो है वो एप्लीकेशन दिख जाएगी, आप उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है आपको टैली का डेटा खोलना है, या टैली सॉफ्टवेयर खोल के आपको जो है जो कंपनी का डेटा आपको स्विच कराना है बिजी में उसकी जो है डे बुक और लिस्ट ऑफ अकाउंट आपको एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप जो होता है दैट इज टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन बिजी इन दी सेम फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स कि आप जो भी टैली कंपनी का डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंपनी का फाइनेंशियल पीरियड अगर 2024-25 है तो आपको भी बिजी में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का क्रिएट करके रखना है। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल पीरियड जो है आपको वो ध्यान देने हैं जब भी आप बिजी में फ्रेश कंपनी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आप टैली का डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, तो टैली का कंपनी का जो फाइनेंशियल पीरियड है उसी फाइनेंशियल पीरियड में आपको बिजी में भी कंपनी क्रिएट रखना है। ठीक है,
नाउ स्टेप्स फोर जो होती है वो आपको बिजी में आपने जो फ्रेश कंपनी क्रिएट कर लिया, अब कंपनी ओपन करने के बाद आपको एड ऑन, जैसे बिजी में होती है एडमिनिस्ट्रेशन का कॉलम, ट्रांजैक्शन का कॉलम, आपको ऐसे एड ऑन का कॉलम मिल जाएगा राइट साइड से देखेंगे तो लास्ट में। तो एड ऑन के अंदर आपको ये यूटिलिटी दिख जाएगी क्योंकि आपने टैली टू बिजी इंस्टॉल करके रखा है सिस्टम पे, तो आपको वो यूटिलिटी वहाँ पर दिख जाएगी टैली टू बिजी का, ठीक है। अब जो होती है स्टेप्स फाइव जो कि है, आपको यूटिलिटी ओपन करने के बाद आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा पाथ, मतलब कि आपको पाथ सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपने वो ट्रांजैक्शन फाइल या मास्टर फाइल एक्सएमएल फाइल रखे हैं, ठीक है, उसको पाथ सिलेक्ट करना है और फिर आपको जो है इंपोर्ट बटन क्लिक करने हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो एक बार जो है हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं बिजी में कैसे ये पॉसिबिलिटीज है या कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बिजी ओपन करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं मैंने कंपनी क्रिएट करके रखा है, कंपनी का नाम दे के रखा हुआ है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टैली, ठीक है, जो भी हम कंपनी का नाम दे के रखना चाह रहे हैं ये समझने के लिए हमने नाम रखा हुआ है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टैली। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें ये फ्रेश कंपनी है, इसमें ना तो कोई डेटा एंट्री किया हुआ है, अगर हम चेक करना चाहें तो हम वाउचर स्टैटिस्टिक्स में जाके देख सकते हैं कोई एंट्रीज है नहीं इसमें। तो ये भी ध्यान में रखना है अगर आपने कोई कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है और उसमें आपने जो है एंट्रीज करके रखा हुआ है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो आपको फ्रेश कंपनी में इंपोर्ट करना है डेटा, ठीक है। तो आपको जो भी आपको कंपनी क्रिएट करे उसमें आपकी डेटास क्रिएटेड नहीं रहनी चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होना चाहिए, ब्लैंक होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि मैंने जो है एड ऑन, ये एड ऑन के अंदर मुझे जो है ये टैली टू बिजी का यूटिलिटी मिल जा रहा है, ठीक है। एक बार मैं वेबसाइट भी शेयर कर देता हूँ जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार जो है बिजी डॉट इन में जाएंगे तो आपको ये रिसोर्स में डाउनलोड के अंदर ये मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये टूल मिल जाएगा टैली टू बिजी का, ठीक है। मिसलिनियस टूल के अंदर मिल जाएगा टैली टू बिजी का, ठीक है। आप इसको यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद सिंपल है आई एक्सेप्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बिजी के कंपनी के अंदर ये जो है आपको एड ऑन आ जाएगा, एड ऑन के अंदर ये सेटअप फाइल मिल जाएगा। अब जैसे मैंने डेस्कटॉप में जो है मैंने टैली का डेटा जो है रखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एक्सएमएल फाइल जनरेट करके हम डे बुक और मास्टर्स, टैली से, तो मैं इसको कैसे इंपोर्ट करूँगा, तो मैं चला जाता हूँ इसमें ऐड ऑन में टैली टू बिजी में। अब यहाँ पर हमें जो है कॉल कराना होता है, कॉल क्या करना होता है कि परचेज एंट्रीज पे मेरी जो अगर मेरी सीजीएसटी है या एसजीएसटी या आईजीएसटी लगा हुआ है तो वो मैं इस पे पोस्ट टैगिंग कराऊंगा, मेरा जो बिजी में सीजीएसटी चार्जेज या बिल सेंडी वो मैं टैग कर देता हूँ यहाँ पर सीजीएसटी के साथ सीजीएसटी, एसजी के साथ एसजीएसटी, आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी। सेम सेल वाउचर के क्षेत्र में भी वही करूँगा सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एक्सएमएल फाइल का पाथ सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर मेरी डेटा है, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर बना के रखा था डेस्कटॉप में टैली डेटा वन, उसको सिलेक्ट करके मैं ओके करूँगा और उस पाथ में से मुझे फाइल मिल जाएगा एक तो आइटम का, मतलब कि मास्टर्स का, उसमें आइटम हो सकते हैं अकाउंट्स हो सकते हैं, एक डे बुक जिसमें सारे एंट्रीज होते हैं। तो जब मैं इंपोर्ट बटन क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पर मैसेज आ गया कि मेरा मास्टर एक्सएमएल फाइल भी मिल गया उस पाथ में से, डे बुक का एक्सएमएल फाइल भी मिल गया उस पाथ में से, ठीक है। सो आई कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग। तो इसमें जब मैं येस करूंगा अब ये मुझे रीड करेगा कि परचेज वाउचर कितने मिल रहे हैं,
फिर रीड करने के बाद इसको जो है सेव करना चालू कर देगा। ठीक है, अब ये सेव कर रहा है वाउचर्स, इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा डेटा आया है कि नहीं आया, तो मैं अगर मैं ओवरऑल देखना चाहूँ तो चेकलिस्ट में जाके वाउचर स्टैटिस्टिक्स में भी जाके देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल के 8 एंट्रीज आ चुके हैं। तो मंथ ऑन मंथ अप्रैल मंथ का मैंने टैली में एंट्री किया, तो ये सारे एंट्रीज जो टैली में मैंने आइटम्स लेके रखा हुआ है, जो भी टैक्सेशन लेके रखा हुआ, वो हुबहू मेरे एंड पे आ गया है। ठीक है, मतलब अमाउंट के रिलेटेड हो। तो इसके बाद अगर मेरी कोई परचेज एंट्री किया हुआ है तो वो भी अगर है तो वो भी आ जाएगा। अगर कुछ पेमेंट एंट्रीज किया हुआ है तो वो भी आपके यहाँ पर फिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जो जिसके माध्यम से आप जो भी है आपके टैली के डेटा को या आपके कस्टमर जो टैली के कस्टमर है उनके डेटा को जो है बिजी में स्विच करके आप हैंड्स ऑन करा सकते हैं बिजी में, या आप स्टार्ट करा सकते हैं बिजी में। टैली का आप जो है टैली ERP 9 हो टैली प्राइम हो, प्रोसेस वही है। XML फाइल जनरेट करनी है और आपको जो है ये बिजी का जो यूटिलिटी है या टूल है टैली टू बिजी, वो यूटिलिटी को यूज़ करके आप जो है XML फाइल को जो है बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रेश कंपनी क्रिएट करके बिजी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डेटा इंपोर्ट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर। अब जो हम XYZ सॉफ्टवेयर टैली छोड़ के जो भी अदर सॉफ्टवेयर होते हैं उसके साथ या उसका डेटा हम बिजी में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको समझेंगे कि अगर अपार्ट फ्रॉम टैली इफ एनीबॉडी इज यूजिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर, तो उस केस में बिजी में कैसे हम डेटा को स्विच करा सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम एक्सेल को फॉलो कर सकते हैं। यूजिंग एक्सेल कैन स्ट्रीमलाइन द हेक्टिक डेटा इंपोर्ट प्रोसेस, एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम योर एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू एक्सेल एंड देन सीमलेसली इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम एक्सेल इनटू बिजी। मतलब कि आप जो भी XYZ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आप जो है डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लें, बल्क में आप डेटा जो एक्सपोर्ट कर लें, और यही डेटा जो आप एक्सेल से बल्क में इम्पोर्ट कर सकते हैं बिजी में। तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, स्टेप्स भी मैं थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहला स्टेप तो ये है कि आपको एक्सपोर्ट डेटा करना है एक्सेल में एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ, जो भी XYZ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कस्टमर या आप जो भी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से आप जो है आप उसको एक्सपोर्ट कर लें एक्सेल में। सेकेंड स्टेप जो है आप सेट कर लें एक्सेल डेटा को सीमलेस इंपोर्ट के लिए। सेट इन द सेंस कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि जैसे आइटम नेम हो गया, अब आइटम नेम के नीचे आइटम ग्रुप आ रहा है, बट इस वे में अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो बिजी में प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या हम लोग कर सकते, क्या टेक केयर कर सकते हैं एक्सेल में, हमें ये देखना है कि जो भी डेटा हमारी एक्सेल में जा रही है वो सारे डेटा जो या वो सारे फील्ड कॉलम में होनी चाहिए। जैसे अगर आइटम का मास्टर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल में, तो आइटम के रिलेटेड सेल प्राइस होती है, MRP होती है, ओपनिंग स्टॉक होती है, आइटम्स के ग्रुप होते हैं, तो हर एक ऑप्शन जो है या हर एक फील्ड हमारे इंडिविजुअल कॉलम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आइटम के नाम के नीचे हमने आइटम ग्रुप को पिक कर लिया या एक्सेल में डाल दिया। तो आइटम नेम, सपोज आपने ए कॉलम को आइटम नेम सेट कर लिया, आइटम ग्रुप को जो है आपने बी कॉलम सेट कर लिया, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा या आप इसको जो है टैग कर सकते हैं बिजी में। जब आप एक्सेल से इंपोर्ट करने जाएंगे तो आप बिजी में फील्ड को एक्सेल के कॉलम के साथ टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है बेसिक आपको एक्सेल में जो है इसको टेक केयर करना है ताकि डेटा आपकी प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाए बिजी में थ्रू एक्सेल। तो आपकी फील्ड जो है, आपकी हर एक फील्ड की डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है, हर एक इंडिविजुअल कॉलम में होनी चाहिए। तो अगर हम मास्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मास्टर्स में क्या क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के माध्यम से बिजी में, तो हम अकाउंट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, हम जो है आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर हम ट्रांजैक्शन के बेसिस पे समझें
अपार्ट फ्रॉम दिस अकाउंटेंट आइटम, अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज भी है तो एम्प्लॉयज को भी इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट मास्टर है उसको इम्पोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल, किसी की प्रोडक्शन चलती है मतलब प्रोडक्शन फॉर्मूला चलता है, बॉम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एक्सेल में वो आपको डेटा प्रोवाइड करा रहा है कि मेरा 100 के ऊपर ऐसे प्रोडक्शन फॉर्मूला है. मैनुअल बॉम एंट्री करना बहुत ही हैक्टिक काम है, तो वो बिजी में मैं एक्सेल में दे देता हूँ, वो आप बिजी में इम्पोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, तो वो भी आप एक्सेल के माध्यम से बिजी में इम्पोर्ट कर सकते हैं. ट्रांजेक्शन के रिलेटेड समझे तो परचेज सेल, ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड जनरल, ठीक है, ये कौन जो है आप एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि अगर हम अकाउंट इंपोर्ट करते हैं, अकाउंट इन द सेंस अकाउंट लेजर भी हो सकता है, सप्लायर के नाम भी हो सकते हैं, पार्टीज भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम अकाउंट्स इंपोर्ट करते हैं बिजी में तो उसकी टेम्पलेट कैसे हम सेट करेंगे या कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो वो प्रैक्टिकली हम लोग एक बार बिजी में गो थ्रू करते हैं. तो मैं एक बार जो है बिजी का कंपनी पहले ओपन कर लिया, तो मैंने कंपनी का नाम जो है इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर रखा हूँ समझने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल. अब मैं जो है एक बार एक्सेल फाइल भी खोल लेता हूँ जिससे मुझे इम्पोर्ट करनी है. तो मैंने कुछ एक्सेल फाइल, सैम्पल एक्सेल फाइल रखी हुई है मास्टर्स और वाउचर्स के. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइटम लिस्ट है, पार्टी लिस्ट है. पार्टी लिस्ट को आप मान के चलिए आपने अकाउंट्स पकड़ लिया. ठीक है, तो यहाँ पर डेटर्स पार्टीज भी है और क्रेडिटर्स पार्टीज भी हैं. ठीक है, तो अगर हम बिजी में अगर इंपोर्ट करना चाहें तो हम जो है बिजी में जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे, हम पहले कंपनी ओपन कर लेंगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ऑप्शन मिल जाएगा डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का. ठीक है, अब डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एमएस एक्सेल. तो आप देख सकते हो मास्टर्स के माध्यम से आप आईटीएम अकाउंट्स, सेल्समैन, ऑथर, एम्प्लॉयज, कॉन्टैक्ट, बिल ऑफ मटेरियल, ये सारे भी इंपोर्ट कर सकते हैं. तो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर अकाउंट इंपोर्ट करना है, किसी सप्लायर का नाम या पार्टी का नाम इंपोर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं. अकाउंट्स में क्लिक करेंगे. अब देखिए मैंने फील्ड को टैग करके रखा हुआ है, कैसे क्या हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेल दिखाऊं तो पार्टी का नाम कहाँ पर है, ए कॉलम में है. तो हम बिजी में भी देखें तो हमने जो अकाउंट नेम ए कॉलम के साथ टैग करके रखा हुआ है. अगर मैं मान के चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, एग्जांपल के तौर पर दिखाने के लिए मैं जो है फिर से पिक करता हूँ. तो मैंने अकाउंट अंडरस्कोर नेम ले लिया और यहाँ पर एक्सेल फील्ड पूछ रहा है कि ये अकाउंट नेम या पार्टी का नाम आपके एक्सेल में कौन से कॉलम में है. आपने बताया ए कॉलम है तो मैंने ए कॉलम टैग कर लिया. ऐसे ही मैंने बाकी सारे फील्ड को भी टैग कर लिया कि भाई एड्रेस की भी 3-4 लाइन हो सकती है. तो अगर 3-4 लाइन है, अगर एक्सेल में मेरी 2-3 लाइन है तो मैं 3 लाइन एड्रेस भी हर एक एक कॉलम में टैग कर सकता हूँ बिजी में. क्योंकि बिजी में भी एड्रेस line 1 होता है, line 2 होती है, फील्ड अलग अलग होती है, तो उसके साथ मैं कॉलम को टैग करके रख लिया. ठीक है, ऐसे ही आपको और अदर इंफॉर्मेशंस अगर करने होते हैं जैसे कि आपको स्टेट, फिर आपको टाइप ऑफ डीलर, रजिस्टर पार्टी है, GSTN नंबर, आधार नंबर, आईटी पैन नंबर, वर्ड, ईमेल, जो भी इंफॉर्मेशन आपको है सब देखिए सारे कॉलम्स पे आपको रखने होते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करने होते हैं एक्सेल पे, ताकि आप जो है हैसल फ्री वे में आप जो है एक्सेल को इम्पोर्ट कर पाए बिजी में. ठीक है, तो ये मैंने सारे फील्ड जो है टैग करके रखे हुए हैं बिजी में. अब मैं यहाँ से फिर सिर्फ एक्सेल पाथ को सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर मेरी फाइल है. तो मैंने डेस्कटॉप में रखा हुआ है तो मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा. ठीक है, मैंने ये एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया. अब देखिए यहाँ पर एक्सेल शीट नंबर मांग रहा है. अब जैसे अगर मेरी एक ही एक्सेल में मेरी मास्टर्स भी है, मेरी ट्रांजेक्शन की भी एक्सेल है, वो भी मुझे इम्पोर्ट करना है, तो मेरा पार्टी का शीट जो है शीट नंबर 2 में है. ठीक है, आइटम का लिस्ट मेरा शीट नंबर 1 में था, अब ये शीट नंबर 2 में पार्टी लिस्ट, इसको मैं पहले इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको शीट नंबर 2 कर सकता हूँ. ठीक है, स्टार्टिंग रो क्या हो सकता है. स्टार्टिंग रो मतलब कि मेरा हेडिंग वाला स्टार्टिंग रो कभी नहीं होगा. स्टार्टिंग रो जहाँ से मैं अपना पार्टी का नाम लिख रहा हूँ या ग्रुप वगैरह मेंशन कर रहा हूँ, तो मेरा 2 नंबर से स्टार्टिंग रो है. अगर मैं एंड रो को 0 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वो लास्ट रो तक ले लेगा.
ठीक है, या अगर मैं कुछ कट ऑफ करना चाह रहा हूँ, 2 से लेके अभी तक 7 रो तक इंपोर्ट करूंगा, बाद में मैं 8 रो से इंपोर्ट करूंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है स्टार्टिंग रो 2 नंबर रख सकते हैं, और कट ऑफ करना है तो एंड रो डाल दीजिए, अदरवाइज कट ऑफ नहीं करना है तो 0 रख लीजिए, फिर आप सिंपली इसको इम्पोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बैकएंड में क्या करेगा, ये बैकएंड में चेक करेगा कि भाई आपका अकाउंट नेम वगैरह सही तरीके से टैगिंग है कि नहीं, एक्सेल फाइल के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, तो वो एक्सेल फाइल से इजीली जो है डेटा को फेस कर लेगा। ठीक है, एंड रो आप जो भी डालेंगे, 0 डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कैलकुलेट कर लेगा कि लास्ट रो कहाँ तक है, उस रो तक वो उसको जो है कैप्चर कर ले। इसमें एक ऑप्शन ये भी आ रहा है, दैट इज कि मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि एक्सेल में हमने कुछ गलती करके रखा हुआ, वो भी इंपोर्ट हो जाता है। तो अगर हम एक्सेल में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और वो मॉडिफिकेशन मुझे इंस्टेंटली डेटा पे भी अपडेटेड चाहिए, मैं मैनुअल करना नहीं चाह रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब वही एक्सेल को आप इंपोर्ट करेंगे तो आप इस मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर को भी टिक कर सकते हैं। तो हो सकता है ऐसा भी हो कि आपने कुछ एडिशन भी किया है, कुछ मॉडिफिकेशन भी किया है उस एक्सेल पे, तो आप दोनों को टिक करके फिर से इंपोर्ट करेंगे तो जो नया मास्टर उसको मिलेगा वो इंसर्ट कर लेगा, और जो एग्जिस्टिंग मास्टर मिलेगा उसको मॉडिफाई कर लेगा। इसमें जो है मैं एक बार फिर से वो एक्सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं इसकी स्टार्टिंग रो जो है 2 से दे देता हूँ, एंडिंग रो फिलहाल के लिए मैं 13 दे देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 12 अकाउंट मास्टर इंपोर्टेड सक्सेसफुली बता रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे मास्टर्स में, अकाउंट्स में जाके देखेंगे, लिस्ट में देखेंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी इंपोर्ट होगी। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कॉन्फ़िगरेबल पे, अगर आपको ग्रुप्स ऑफ देखनी है, संडी डेटर देखनी है या क्रेडिटर देखनी है, तो आपको लिस्ट में मिल जाएगा जो भी अभी तक हमने एक्सेल में रखा हुआ, तो हाथों सारी डिटेल्स फिलअप हो जाएंगी, कंट्रीज, एड्रेस, GST नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, तो आपको ये सब मैनुअल एंट्रीज नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये एक फैसिलिटीज़ है कि आप बल्क में डेटा जो है दूसरे सॉफ्टवेयर से भेजे में इंस्टेंटली आप इंपोर्ट कर सकते हैं वाया एक्सेल। ठीक है, इस यूटिलिटी के माध्यम से सिमिलर वे में जो है आप अगर इंस्टेंस की अगर आपको इसका भी देखना है, बेसिकली आइटम्स का भी देखना है, तो वो भी हम लोग जो है प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आइटम्स के लिए जो है एक बार मैं बिजी में फिर से आ जाता हूँ, और वही डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल में जाऊँगा, आइटम में जाऊँगा, और यहाँ पर भी देखिए मैंने टैगिंग करके रखा हुआ है, तो इसमें भी मैं दिखा दूँ कि आइटम का जो है आप लिस्ट में देखेंगे तो आइटम में भी जो है आपका नाम ए कॉलम में मैंने रखा है, तो अगर आप बिजी में भी देखेंगे तो आइटम का नेम जो है ए कॉलम के साथ टैग है। ठीक है, अब मैं यहाँ से सिंपली एक्सेल फाइल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो है मास्टर कॉपीज़ वाला ले लेता हूँ क्योंकि ये मेरे एक्सेल में है, तो इसको मैं ले लेता हूँ, और स्टार्टिंग रो अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा मेरा रो कहाँ से, 2 से है, 7 नंबर तक का है। ठीक है, शीट नंबर 1 पे है क्योंकि पहले शीट में आइटम लिस्ट रखा हूँ मैंने, तो मैं इसको शीट नंबर 1 कर दूंगा, और इसको जो है 2 से लेकर के जो है मैं इसको फिलहाल के लिए 7 कर देता हूँ। तो ये इंस्टेंटली मेरी आइटम भी इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान के चलिए आपने आइटम में कुछ मॉडिफिकेशन किया है, हो सकता है इसका ग्रुप आपने चेंज कर दिया एक्सेल में,
तो नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से इम्पोर्ट करना चाह रहे हो उस मॉडिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपके डेटाबेस में, तो ये मॉडिफाई एग्जिस्टिंग को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ मॉडिफाई करूँ, कुछ नया ऐड मैंने किया नहीं है एक्सेल में, सिर्फ मॉडिफाई करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग, तो नया ऐड को अनटिक करके फिर से वही एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर से इम्पोर्ट बटन प्लेस क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके डेटा में वो मॉडिफाई हो जाए जो भी आपने एक्सेल में मॉडिफाई करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप जो है आइटम को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन लेवल पे, तो एक बार देख लेते हैं कि परचेज कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं पैसे में। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल में जाने हैं जो कि डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ही है। तो आपको जैसे इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल मिल रहा है वैसे इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल भी मिल जाएगा। अब उसके अंदर अगर आप जाते हैं, जैसे आप परचेज सिलेक्ट करते हैं, तो परचेज में भी आप कॉन्फ़िगर करके आप फॉर्मेट बना ले, परचेज को सिलेक्ट करके आप ऐड फॉर्मेट करके आप फॉर्मेट बना ले। अब ऐड फॉर्मेट करने के बाद जो भी आप फॉर्मेट बना रहे हैं उस फॉर्मेट में आपको जो है कॉन्फ़िगर में जाने हैं, फिर आपको जो है उस फील्ड को जो है एक्सेल के साथ टैग करने हैं। जैसे वाउचर सीज मैंने टैग करके रखा है एक कॉलम के साथ। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं परचेज को इम्पोर्ट करूँगा तो परचेज में भी देखिए हर एक इन्फॉर्मेशन कॉलम पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे वाउचर सीरीज मैंने ए कॉलम में रखा है, वाउचर बिल नंबर, तो परचेज बिल डेट मैंने बी कॉलम में रखा है, बिल परचेज बिल नंबर सी कॉलम में रखा है, परचेज टाइप क्या टाइप की बिलिंग कर रहा हूँ मैं उसको डी कॉलम में रखे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आप यहाँ पर टैग करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेल की कॉलम लिस्ट मिल जाएंगी, आप फील्ड वाइज आप कॉलम को टैग करके रख सकते हैं। एंड देन आप जो है इसको एड न्यू वाउचर कर सकते हैं क्योंकि आप फ्रेश एंट्री इंसर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं एक्सेल से, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने एक्सेल में ऑलरेडी आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया उसके बाद आपने एक्सेल में कुछ मॉडिफिकेशन किया ट्रांजैक्शन पे, तो वो सिर्फ मॉडिफाई करना, एग्जिस्टिंग वाले वाउचर को मॉडिफाई करके इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ मॉडिफाई को भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मास्टर, तो प्रोसेस वही है, मास्टर पर जैसे आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो ऐड और मॉडिफाई दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, वैसे ट्रांजेक्शन पर भी आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम ऐड करते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन ये भी दे रहे हैं क्रिएट न्यू मास्टर्स। इसका मतलब है कि अगर आपके एक्सेल पे कुछ ऐसा मास्टर्स है या कुछ ऐसे आइटम्स है या ऐसे पार्टी है जो बना हुआ नहीं है, ठीक है, जैसे अभी देख सकते कि हैंडबैग फॉर वुमन ये आपको परचेज में भी मिल जा रहा है, कुछ ऐसे आइटम्स है जो आप आइटम मास्टर में है नहीं आपका, या आइटम आपने बल्क जो है इम्पोर्ट नहीं किया एक्सेल से, तो उसको आप चाहते हो कि परचेज एंट्री करते वक्त हाथों हाथ मेरी आइटम भी क्रिएट हो जाए, मेरी मास्टर्स क्रिएट हो जाए, तो इस बटन को क्लिक रख सकते हैं। इसमें आप जो आपके सप्लायर का जो ग्रुप होती है सिंडिकेट है उसको टैग रख सकते हैं, जो भी आइटम नया आइटम होगा उसको तो कोई एक पेरेंट ग्रुप के अंदर टैग रखना है, तो आप पेरेंट ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स कैटेगरी डिफाइन करके रख सकते हैं, क्या टैक्स कैटेगरीज के परसेंटेज डिफाइन होंगे उस नए आइटम के लिए आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई गोडाउन अगर सेट करना चाहते कि ये परचेज एंट्री करेंगे तो यही गोडाउन पे जो है पर्टिकुलर उस आइटम के रिलेटेड इंपोर्ट होगा, तो वो आप गोडाउन सेट कर सकते हैं। HSN कोड डालना है तो वो डाल के रख सकते हैं। ठीक है, आइटम फील्ड में कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जैसे प्राइस, टैक्स रेट, MRP और टैक्स अमाउंट। अब क्या है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं सेल टाइप जो ले रहा हूँ आइटम वाइज ले रहा हूँ, अब मेरे एक्सेल में टैक्स का कोई कॉलम है नहीं, सपोज मैं जब एक्सेल में इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्वांटिटी का कॉलम है, प्राइस अमाउंट का कॉलम है, ये टैक्सेबल अमाउंट या टैक्स अमाउंट का कॉलम है नहीं, तो बिजी यहाँ पर भी आपको हेल्प कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा टैक्स कैलकुलेट बिजी बैक कैलकुलेट कर ले, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके टैक्स अमाउंट पिक कर ले बिजी में, तो आप इस टैक्स रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये टैक्स अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटो कैलकुलेट अमाउंट। जिससे क्या होगा, अगर आपने एक्सेल में कोई टैक्स कॉलम मेंटेन नहीं किया हुआ है या आपने इंपोर्ट करते वक्त आपने टैग नहीं किया है, बट आपने आइटम में तो डिफाइन कर दिया कि आइटम का कितना परसेंट टैक्स है, 12% है या 18% है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर रहे हो कि पिक डेटा फ्रॉम आइटम मास्टर, कि अगर आपका आइटम ऑलरेडी आपने इंसर्ट कर लिया है उसके बाद आप परचेज इंसर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप क्रिएट भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आप टैक्स कैटेगरी टैग यहाँ रख सकते हैं। बट ये सिस्टम जो है ये हेल्प करेगा आपको कि आपके बैकएंड से टैक्स रेट को कैलकुलेट करके आपके ट्रांजैक्शन पे ऑटो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर दे आइटम के बेसिस पे, क्योंकि आइटम के मास्टर में जो टैक्स कैटेगरी आपने टैग करके रखा है उसी को पिक करके ये टैक्स अमाउंट जनरेट करेगा ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको अनटिक रखता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी टैक्स अमाउंट मेंशन करके रखा है और मैंने टैग करके भी रखा हुआ है बिजी में। ठीक है, तो बिजी में आप देख सकते हो कि मैंने क्या फेल टैक्स अमाउंट के लिए टैग करके रखा है।
तो ये आप जो है, जब भी आप टेम्पलेट बना रहे हैं कॉन्फ़िगर में, तो आप जो यहाँ पर इसको जो टैग, आप सेल टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो सेल टाइप में आप आइटम वाइज ले रहे हो, इसमें भी जैसे आपने टैक्स अमाउंट अगर टैग नहीं रखा तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ये टैक्स अमाउंट को टिक कर लीजिए, तो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। हालांकि आपने रखा हुआ है एक्सेल में टैक्स अमाउंट का कॉलम, बट आपने टेम्पलेट में टैग नहीं किया है। आप देख सकते हो, हमने मेरे मेरे टेम्पलेट में टैग नहीं किया हुआ है टैक्स अमाउंट का फील्ड को एक्सेल के साथ, मैं सिर्फ नेट अमाउंट को रखा हूँ, मतलब जो जनरल अमाउंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरी परचेज जो है, मेरी बेसिकली 3 नंबर शीट में है और ये 2 नंबर से स्टार्ट है 13 नंबर तक, ठीक है, तो 2 से लेके 13 है, तो शीट नंबर 3 है, तो मैं इसमें शीट नंबर जो है 3 कर देता हूँ और इसको 2 से लेके 13 कर देता हूँ, और जो है मैं इसको इंपोर्ट बटन क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ मैसेज ये भी देता है कि कुड नॉट इंपोर्ट परचेज वाउचर डेट 4/1/2024, तो ये मैसेज इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने फिनेंशियल पीरियड जो है 24/25 का लेकर रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो, जब हम एक्सेल में करते हैं तो हमें एक चीज पॉइंट आउट रखनी है कि हम जो डेट मेंशन करें वो डेट फॉर्मेट में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका डेट फॉर्मेट जो है, इसको आपको सेट सही रखना है कि आपको 1-4 मोड पे रखना है, कभी कभी मंथ ईयर डेज मोड पे रहता है, कभी डेज मंथ ईयर मोड पे रहता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, टेक केयर करना है कि जब भी आप एक्सेल से इंपोर्ट करें बेसिकली स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन, तो उसकी डेट जो है आपको सही रखनी है। जैसे अगर मैं इसको जो है ये देखा जाए तो 4/1, मैं इसको अगर 4/1 मोड पे रखता हूँ, ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे यही इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और मैं 2 से 2 लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 3 वाउचर इंपोर्ट सक्सेसफुली बता दिया, मतलब कि आपको कुछ डेट रेंज, जो डेट उसको प्रॉपर मिला उस फाइनेंशियल पीरियड में, जो डेट मिला उसको ले लिया, कुछ एंट्रीज में फाइनेंशियल पीरियड के बाहर है तो उसको जो है एरर जनरेट करके दिखा दिया। अब ये एरर का भी फैसिलिटीज है कि आप देख सकते हो ये लिस्ट है कि कौन से वाउचर किस कारण से इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट जो है बिजी प्रोवाइड कर रहा है कि जब आप इंपोर्ट कर ले रहे हो तो उसमें भी अगर कहीं भी 1-2 एंट्रीज आपकी इंपोर्ट नहीं हो पा रही है तो कौन सा वाउचर इंपोर्ट नहीं हो पाया, किस रीजन से इंपोर्ट नहीं हो पाया, उसकी भी आपको लॉग हिस्ट्री मिल जाएगी सेव करते वक्त ही, ठीक है। तो जैसे ही आपने परचेज कर लिया, जो भी आपने परचेज आपकी इंसर्ट हो गई, तो आप लिस्ट में जाके भी आप इंस्टेंटली देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमने टैक्सेशन देखी, IGST कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मैंने क्या किया था, ऑटो कैलकुलेट ऑन कर दिया था टैक्स अमाउंट और पिक टैक्स रेट फ्रॉम आइटम पिक कर लिया था, तो जो भी हमने टैक्स रेट डिफाइन करके रखे थे कैटेगरी आइटम मास्टर पे, तो उसके बेसिस पे ये अमाउंट इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो एक तो आप एक्सेल इंपोर्ट कर पा रहे, दूसरा अगर आपको कई इंपोर्ट करते वक्त कोई ट्रांजेक्शन, 1-2 ट्रांजेक्शन इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, तो उसकी लॉग हिस्ट्री भी आपको मिल जा रही है हाथों हाथ इंस्टेंटली, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं इसका समझू कि अगर आपको जो है सेल्स की इंपोर्ट करनी है, तो सेल्स का भी प्रोविजन वही है, आप डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर वाउचर में जाइए, इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल, उसमें भी आप कॉन्फ़िगर करके आप एक फॉर्मेट बना लें सेल्स को सिलेक्ट करके, ऐड फॉर्मेट करके, फिर आप ऐड फॉर्मेट करके बनाएंगे तो प्लस साइन के अंदर वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करें कन्फिगर में जाए तो एक लोड डिफॉल्ट बोल के बटन आएगा, आपको यूज़ कर देंगे तो बाई डिफॉल्ट कुछ फील्ड ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। हाँ, सिर्फ एक्सेल टैगिंग आपको जो है उस फील्ड के बेसिस पे सिलेक्ट करने हैं। अब जैसे इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो है सेल पे जो है आपकी एक्सेल टैगिंग जो है आप ऐसे कर सकते हो, वाउचर एक सीरीज एक कॉलम में, बी कॉलम में वाउचर बिल डेट है, तो आप जो है वाउचर बिल डेट को बी कॉलम रख सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी वही प्रोसेस है कि अगर आपका नया कुछ आइटम्स है, नया कुछ मास्टर्स आपको लगता है कि उस ट्रांजेक्शन पे है, तो आप इस क्रिएट को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लगता है कि नहीं, मास्टर सारे ऑलरेडी इंपोर्टेड है, मैं अभी सेल इंपोर्ट करना चाहूँगा, तो आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि हमने जो टाइप लिया हुआ है वो आइटम वाइज लेके रखा हुआ है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर ली, ठीक है। फिर हम जो है यहाँ से एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करेंगे और सेल्स का जो पाथ है, जैसे कि 4 नंबर शीट पे है, 2 नंबर से स्टार्ट है, ठीक है, तो 2 नंबर से अगर मान के चले हमने 24 तक है, तो
इसको जो है हम शीट नंबर 4 और 2 से लेके 24, ठीक है। तो ये अगर हम चेक करके फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं, फिर अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ये सिंपली आपका एक्सेल से पिक कर लेगा। और यहाँ पर भी अगर उसको लगता है कुछ डेटा या कुछ वाउचर में डेट की फॉर्मेट की इश्यूज है, वो यहाँ पर हाथों हाथ मैसेज दे देगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ एक एंट्री में आपका जो है ये वाउचर नंबर SB001 वाउचर नंबर में आपकी डेट की फॉन्ट की इशू है। तो आपको एक्सेल में डेट का फॉर्मेट सही रखना है, डेज मंथ ईयर मोड पे रखना है, ठीक है। और अगर आप चाहते कि फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर दूँ, ठीक है, तो आगे ये जो जो एंट्रीज में उसको दिक्कत आएगा वो देता है। अगर मैं स्किप ऑल कर दूँ तो जो जो एंट्री वो इंपोर्ट कर पाएगा, जो जिसमें डेट की कंटेंट सही है तो वो उसको इंपोर्ट कर लेगा, जिसमें डेट की कंटेंट गलत है उसमें ये एरर लॉग आपके पास आ जाएगा, जिससे आप बाद में भी जज कर सकते हो कि कौन से सेल्स वाउचर इंपोर्ट नहीं हुआ है। उसमें ये बता रहा है डेट रेंज आउट ऑफ रेंज, मतलब कि हो सकता है कि हमने जो एक्सेल में डेट फॉर्मेट रखा हुआ वो गलत है, ठीक है। गलत मतलब कि जैसे एक्सेल में भी आप देखेंगे डेट फॉर्मेट मेंटेन करने के लिए होता है DDMMYY, तो आप उसको जो है डेट फॉर्मेट मोड पे रखना पड़ता है, ठीक है। इसको जो है डेट मोड पे रख के इसको जो है आपको जो है यहाँ से जो है डेट मोड को सही करना होता है, डेज मंथ ईयर मोड पे, ठीक है। आप कस्टम करके भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मंथ डेज ईयर क्या हुआ, इसको DD/MM/ जो है YY मोड पे कस्टम करके रखेंगे तो बेटर है। तो ये थोड़ा सा जो आपको ये ध्यान में रखने हैं, टेक केयर करने हैं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर इम्पोर्ट फॉर योर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब अगर आप मैं इसको सेव करके इम्पोर्ट करूँगा तो ये तुरंत इम्पोर्ट हो जाएगा सारे वाउचर्स, क्योंकि इसकी डेट कंटेंट सही हो गई है। तो मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि कोई जो है कस्टमर इम्पोर्ट करने जाता है तो उसको एरर आ जाता है। तो एरर किस लिए आता है, मेरा रीज़न यही था दिखाने का कि एरर मेन रीज़न यही होता है डेट का, ठीक है। तो डेट को कैसे आप ठीक कर पाएंगे, जो अभी मैंने दिखाया, अभी इस मेथड से जो है एक्सेल में डेट को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट योर इंपोर्ट प्रोसेस, ठीक है। तो आप जैसे सेल में जो भी वाउचर्स 7 वाउचर्स इंपोर्ट हुए हैं तो 7 वाउचर्स आपको एक्सेल में दिख जाएंगे, मतलब एक्सेल से इंपोर्ट हुए हैं तो आपको सेल लिस्ट में दिख जाएंगे, आपकी GST भी कैलकुलेट होकर बैठ गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपकी अकाउंटिंग भी मेंटेन होगी, आपके फॉर्म GST रिपोर्ट्स भी मेंटेन हो गए, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम इसकी देखें, दैट इज की पेमेंट वाउचर्स, तो पेमेंट वाउचर्स भी आप जो हार्ड कोड अकाउंटिंग का पार्ट रहता है, जैसे कि पेमेंट वाउचर्स से जो पूरी जो इसकी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना हो, या कुछ भी पेमेंट्स अगर सप्लायर को दे रहे हैं, कोई बिल के अगेंस्ट पे दे रहे हैं, बिल बाय बिल एडजस्टमेंट का भी मेंटेन करना हो तो वो भी एक्सेल से हम मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जैसे हम पेमेंट में हम देखेंगे तो पेमेंट में फिलहाल हमने जो है सैम्पल के तौर पे ये 3-4 वाउचर्स एंट्री रखे हैं एक्सेल में। तो सेम प्रोसेस है बिजी में भी, आपको जो है इसमें डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जाने, इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल में जाने, और यहाँ से आपको पेमेंट सिलेक्ट करने हैं, टाइप कर सकते हैं फिल्टर करने के लिए। फॉर्मेट नेम मैंने पेमेंट बोल के क्रिएट करके रखा है थ्रू दिस कन्फिगर बटन, हमने इस पेमेंट में क्लिक करके ऐड फॉर्मेट करके जो है फॉर्मेट का नाम देके रखा है। फिलहाल मैंने फॉर्मेट का नाम पेमेंट दिया है तो उसको सिलेक्ट करके कन्फर्म में क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट डू वांट टू लोड द डिफॉल्ट, आई सेड यस। यस करने से डिफॉल्ट फील्ड बैठ जाता है बाय डिफॉल्ट। अब उस फील्ड को अगर आपको टैग करने हैं कि ये सीरीज का फील्ड एक्सेल में कौन से कॉलम है, तो आप उसको उसके साथ टैग रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आप इसको जो है सेव करने के बाद आप इस बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं, फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्रोसेस के लिए जो है आप यहाँ से एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक्सेल फाइल में जैसे मैंने ये एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर लिया, अब पेमेंट का जो है मेरे पास कौन से शीट में है, तो 5 नंबर शीट में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शीट नंबर 5 कर दिया, और स्टार्टिंग रो एंडिंग रो कहाँ से कहाँ तक है मेरी, तो मैंने बोला 2 से लेके 5 तक है, तो मैंने 2 से लेके इसको 5 तक कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको यस कर लिया, तो मेरी पेमेंट वाउचर भी इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरी एक्सेल से इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी देखिए डेट का कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एक वाउचर इंपोर्ट सक्सेसफुली, तो जो वाउचर्स इंपोर्ट नहीं हो पाया डेट के इश्यूज के कारण से, वो भी आपको कॉल लॉग पे, मतलब कि एरर लॉग पे बता दे रहा है,
ठीक है। तो देखिए, एरर लॉक में पिछला जो एरर लॉक में एक साथ कर रहा था, सेल कर रहा था, परचेज कर रहा था, पेमेंट कर रहा था, हैंड ऑन हैंड ये बता रहा है कि सेल में कौन सा वाउचर इंपोर्ट नहीं हो पाया किस कारण से, पेमेंट में कौन सा वाउचर इंपोर्ट नहीं हो पाया किस कारण से, ठीक है। तो ये बता दे रहा है इसमें, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे भी मैसेज आए, इनवैलिड अकाउंट नेम, इसका मतलब कि हो सकता है कि आपके एक्सेल में जो आपने ये अकाउंट का नाम लिया है, डेबिट अकाउंट का नाम या क्रेडिट अकाउंट का नाम, ये आपके कंपनी के डेटा में क्रिएटेड ही नहीं है। तो आज कुछ ऐसा हो तो फिर अगर आप समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्रिएटेड है कौन सा क्रिएटेड नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रख सकते हैं, तो वो हाथों हाथ क्रिएट भी कर लेगा और इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर रसीव वाउचर इंपोर्ट करनी है तो रसीव वाउचर भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रसीव वाउचर के भी जो है आपको 7 वाले शीट नंबर 7 पे है, तो इसमें भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रसीप्ट, तो रसीप्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ सेलेक्ट फॉर्मेट अपने बना हुआ है, कन्फिगर करके आप बना के रख सकते हैं इसको। इसमें भी जो है आप जो है इसको कन्फिगर करके यहाँ पर आप फील्ड को जो है टैग कर सकते हैं, एंड देन आप जो है इसको जो है आपने एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं इस पे, जिसके बेसिस पे आप जो है रिसीव वाउचर को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो शीट नंबर 7 पे अगर है तो 7 सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सॉरी, ये शीट नंबर 6 पे है, तो देन मैं इसको 6 कर लेता हूँ। और इसमें 2 से लेकर के 5 तक का है, तो मैं इसमें जो है 2 से लेकर के 5 तक का इंपोर्ट कर सकता हूँ। और जो क्रिएटेड मिलेगा अकाउंट डेटाबेस डेटा में, जिसको मिल जाएगा वो इंपोर्ट कर लेगा यहाँ पर, और जो इंपोर्टेड नहीं हो पाया वो आपको एरर लॉग में दिखा देगा। आप इसको अलग से भी जो फाइल है सेव करके रख सकते हैं, ये नोटबुक में एरर लॉग आ जाती है, ठीक है। ये 2 वाउचर्स हैं, इस 2 वाउचर में जो आपके इनवैलिड अकाउंट नेम, एक तो वाउचर नंबर बता रहा है RB001, मतलब कि RB001 में जो HMT सुपर मार्केट जो है ये आपका क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। तो वो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो स्टेट्स जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो सकता है ये डेबिट लेजर क्रिएटेड ना हो, ठीक है। हो सकता है ये क्रेडिट लेजर क्रिएटेड हो, डेबिट लेजर क्रिएटेड ना हो। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो बेटर है कि आप इंपोर्ट करते वक्त इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। सेम जो है रिसीव वाउचर मैंने अभी जो दिखाया, दिस इज ऑल अबाउट दी इम्पोर्ट प्रोसेस ऑफ रिसीव वाउचर। नो, अगर जनरल वाउचर करना है तो उसका भी सेम प्रोसेस है, आपको डेटा इम्पोर्ट इम्पोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल में जाना है, डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अंदर, उसके बाद आपको यहाँ पर जनरल टाइप करनी है वाउचर टाइप में, और यहाँ पर आप कन्फिगर बटन क्लिक करके आप फॉर्मेट बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने बना कर रखा हुआ है जनरल, उसको मैं देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्या फील्ड टैग करके रखा हुआ है जो कि मैं एक्सेल से इंपोर्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जनरल पे कैसे मेंशन किया हुआ है, देखिए ये। अब इसकी टेम्पलेट भी आप देख सकते हो कि एक्सेल में कैसे रखा हुआ है। जनरल जो है डुअल मोड पे होता है, ठीक है, तो एक लेजर डेबिट हो सकता है, एक लेजर क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। तो वाउचर नंबर देखिए सेम है, तो वाउचर नंबर के बेसिस पर आप एक को डेबिट कर रहे हो और दूसरे को क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है इस बेसिस पे जो आपकी जनरल की, अगर आप जनरल इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो आपकी टेम्पलेट या कंटेंट ऐसी होनी चाहिए एक्सेल पे, ठीक है। जो लेजर डेबिट है तो डेबिट का एक अलग कॉलम होनी चाहिए, क्रेडिट का एक अमाउंट का अलग कॉलम होनी चाहिए, डेबिट और अकाउंट एक अलग एक सिंगल कॉलम में रख सकते हैं, जहाँ पर आप डेबिट लेजर भी ले रहे हो और क्रेडिट लेजर के नाम भी ले रहे हो, खाली अमाउंट से वो बाइफर्केट हो रहे हैं। तो इससे जो है आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिया, अकाउंट नेम एक ही फील्ड लिया, अमाउंट डेबिट का अलग कॉलम ले लिया और अमाउंट क्रेडिट फील्ड का अलग कॉलम ले लिया, ठीक है। फिर इसको जो है हम यहाँ से ब्राउज करके जो है हम एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन आपका जो है यहाँ पर जो भी स्टार्ट रो है 2 से लेके 9 तक का है, तो हम यहाँ पर इसकी जो है शीट नंबर देख लेते हैं, 7 है, तो इसमें जो है हम इसको 7 कर सकते हैं, और 2 से लेकर के अगर 9 तक है तो इसको डाल के हम सकते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, मेक श्योर करें या टेक केयर करें अपने एक्सेल में कि आपके डेट फॉर्मेट, एक तो डेट फॉर्मेट पहला इश्यूज वही आता है डेट फॉर्मेट का। अब देखिए इसमें डेट फॉर्मेट की इश्यूज है नहीं इस जनरल वाले शीट पे, ठीक
डेट सही है, तो चारों वाउचर्स इंपोर्ट कर पाया है। ठीक है, ना तो डेट फॉर्मेट की इशू है, ना तो कोई अकाउंट लेजर की इशू है, ना उसको अकाउंट लेजर भी मिल गया है और डेट फॉर्मेट भी एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये थोड़े से आप एक्सेल जब आप इंपोर्ट करने जाएंगे तो ये दो चार चैलेंजेस आ सकते हैं जो आप इसको रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी किसी की कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज या कुछ डाउट है तो जो है आप QA सेक्शन पे जो है आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या अपने हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि आप वन टू वन डिस्कस कर पाएंगे।